जयकारा धुनी वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जयकारा, चिंते वाले बाबा जी का बोले जय श्री बाबा जी की। तो जो बाबा जी का दूना होता है ये बड़ा होली होता है, पवित्र होता है, पाक पवित्र है। इस धुने की माया परंपार है। जहाँ पर ये दूना चेतन होता है वहाँ पर सदा भोलेनाथ जी का वास होता है। भोलेनाथ जी के ही अंश हैं सभी जितने भी नाथ जी हैं। तो जहाँ दूना चेतन होता है वहाँ पर सदा बाबा जी अपना पैरा रखते हैं। पैरा समझते हैं जी, अपना बास रखते हैं। और जो बाबा जी की बबूता होती है दूने में, आप जी ने देखा होगा जो डंक केक होता है ना, कोपले गोबर के डंक केक पाथियाँ वो बनाकर रखते हैं, फिर उसको धोने में लगाते हैं, फिर उसकी क्या बनती है, बबूता बनती है। तो जो वो बबूता होती है अगर हम उसको रोज इन एवरी डे यूज़ करें, उसको खाएं, तो हमारे जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। हमें किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वो मानसिक हो, वो शारीरिक हो, वो किसी भावना से कोई भी यानी प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाती है। लेकिन हमें इसे खाना पड़ता है। अगर हम पॉइजन को ऊपर ही मलते रहेंगे शरीर के ऊपर तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी? नहीं होगी, हमें उसको खाना पड़ता है। उसी तरह जब तक हम बबूता को खाएंगे नहीं तब तक हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा। तो बबूता खाइए रोज़। किसी के पथरी होती है या किसी को शुगर होती है या कोई पेन होती है बॉडी में, वो सभी ठीक हो जाती है। बात विश्वास की होती है। जब विश्वास होता है तो फिर चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका भी सलूशन हो जाता है। क्योंकि बाबा जी ने कहा है मैं किस में हूँ, आपके विश्वास में हूँ। अगर विश्वास है तो मैं वहाँ पर सदैव आपके साथ रहता हूँ। जैसे सपोज करो ओशन होता है, सागर होता है, कितने पौंड होते हैं, तालाब होते हैं, उनका सारा पानी आके उनमें मिल जाता है। तो क्या जो सागर है वो नदियों को ये तो नहीं बोलते हैं कि आप वापस चले जाओ, वो नदियों के पानी को भी अपने में मिला लेते हैं। तो बाबा जी बड़े काइंड हैं, दयालु हैं, जो शरण में आता है उसे चरणों से लगा लेते हैं, उसे कभी भी तिरस्कार नहीं करते हैं। वो सदा हमें अपनाते ही हैं, ठुकराते नहीं हैं। तो जितना हो सके उतना भजन में अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि नाम के बिना जग में कुछ भी नहीं है। नाम के बिना सब कुछ सोना सोना है, फीका फीका है। जब हम बैठ के ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारे अंदर ब्राइट आती है, रोशनी आती है, जो डार्क होता है, अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है।
जो संदूक होता है उसका ताला किससे खुलता है? चाबी से खुलता है। तो जो मन का ताला है वो किससे खुलता है? गुरु ज्ञान से खुलता है। ज्ञान के बिना जग में अंधकार है। बिन ज्ञान से प्राणी भटकता फिरे संसार में। जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें अपने मन में ही पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड दिखाई देने लग पड़ेगा। हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर खोजने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक मन की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमें बाबा जी मिल जाएंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। जिसको हम जगह जगह ढूंढते हैं वो हमारे मन में ही बैठे हुए हैं। मेरे मन में था तेरा बसेरा, मैं यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। जयकारा सिद्ध बाबा भोलेनाथ जी का। बोलिए जय श्री बाबा जी की।